आप देख रहे हैं फास्ट समाचार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राजस्थान जयपुर कोटा से झाबुआ जाने वाले दिहाड़ी मजदूरों को आगर मालवा कलेक्टर एसपी ने रोककर चेकिंग की। उसी दौरान रोका और कलेक्टर एसपी ने भोजन करवाया। लॉकडाउन के चलते जिले की सभी सीमाएं बंद की गई हैं, जिले के अंदर कोई नहीं आ सकता। चेक पोस्ट पर रोका जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी दौरान बरोड चौराहा पर चेकिंग की गई तो बाहर से आए दिहाड़ी मजदूर को रोका और खाना दिया गया। कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे इसके लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को जिला प्रशासन द्वारा खाद्यान्न सामग्री और भोजन पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही बाहर से आने वाले दिहाड़ी मजदूर और राहगीरों का भी पूरा ध्यान प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है। राहगीरों को रोककर उनसे जानकारी लेने के साथ ही उन्हें भोजन पैकेट उपलब्ध कराकर भोजन करवाया जा रहा है। रविवार को देर शाम कलेक्टर संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह नगर भ्रमण पर निकले, तभी राजस्थान जयपुर कोटा से झाबुआ की ओर मेटाडोर वाहन से जा रहे थे। 25 दिहाड़ी मजदूरों को आगर बड़ोद चौराहे पर रोककर उनसे जानकारी ली गई। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा सभी लोगों की स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके बाद सभी को दिहाड़ी मजदूरों को भोजन पैकेट वितरित कर भोजन करवाकर रात्रि विश्राम के लिए कम्युनिटी हॉल पहुंचाया और सुबह एक बस वाहन के माध्यम से ससम्मान उनके गृह स्थान झाबुआ सुरक्षित पहुँचाया जाएगा। क्या नाम है आपका? भैरूलाल कर। कहाँ रहते हो? शिवपुरी। शिवपुरी कहाँ से आ रहा हो? रतलाम से। पैदल आए हो क्या? नहीं सर, आप कोई जगह पैदल लिफ्ट ले लेके आए हो? क्या करते हो आप काम शिवपुरी में? क्या चपरासी हूँ। काय में चपरासी है? ई गवर्नर कलेक्टर। ई गवर्नर ऑफिस। तो यहाँ रतलाम के सिलसिले में कब गए थे आप? मैं 20 तारीख को गया था, कोई सरकारी काम से गया। सरकारी काम से। वहाँ से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया? सुविधा तो कल करवाए तो फिर कोई बाहर से बस में था तो कर्मचारियों ने नहीं बिठाला उस बस में मेरे को, चाहे कल बिठा लेंगे। आज कुछ भी नहीं था और वहाँ शिवपुरी से ही हुआ। फिर अभी मैं यहाँ आ गया था नागदा, जब फोन आया था कि कल व्यवस्था करके मन के सामने तो निकल गया। हाँ, वो यहीं पे वो बंदा चलता हुआ मिल गया तो वो भी रुका और वो भी खाना यहाँ पे खाया है और बड़ा अजीब सा लगा कि डाक देने अभी इस कठिन समय में हो गया था। बट फिर वो खाना पीना खा करके फिर एक अभी सारंगपुर की एक बस जा रही थी कुछ और इसी प्रकार के छूटे हुए लोगों को लेकर के, तो उसी बस में उनको रवाना कर दिया, सारंगपुर चलाया। सारंगपुर से फिर उनको हाईवे पे दूसरी व्यवस्था मिल जाएगी। उसी तरह टोटल कितनी संख्या सर इन लोगों की? अभी ये 25 लोग हैं जो झाबुआ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत छोटी सी गाड़ी में मजबूरी में और साधनों की भी कमी है तो अभी इनको घर पहुँचना है जैसे तैसे। अब यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको प्रतिष्ठापूर्वक पहुँचा दें। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, एक आध तो गर्भवती महिला है तो मजबूरी में तो जितना बन पाता है हम लोग करते हैं। खाने की किस प्रकार की व्यवस्था की है आपने यहाँ? खाने तो हम बांट ही रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे नगर और ज़िले के जितने ऐसे लोग हैं जो अपने खाना बनाने में असमर्थ है उनको हम खाना दे ही रहे हैं, रोज ही दे रहे हैं। तो हमारे पास तो रेडली अवेलेबल रहता है इस समय खाने का वक्त भी, इनको खाना दिया। अभी इनके रुकने की व्यवस्था जो हमारे यहाँ पे कैंप है उसमें करेंगे और फिर इनको सुबह का भी नाश्ता वास्ता दे करके और अभी इनके बच्चों के लिए कुछ बिस्किट्स वगैरह भी दे दिए तो सब खाएँ सुबह का नाश्ता वास्ता कर करके और एक लोड बस की यहाँ से पहुँच जाएंगे अपने।